वाराणसी पंचकोसी चौराहे के पास मैदान में विभिन्न समस्याओं को लेकर भाईचारा सम्मेलन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश विशिष्ट अतिथि प्रमोद वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सर्ववैश्य अधिकार मंच सम्मेलन में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, घनश्याम सेठ सहित दर्जन पदाधिकारी व महिलाएं पुरुषों ने सम्मेलन में भाग लिया। आज सर्ववैश्य महासभा के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में हमारे प्रमोद वर्मा जी के माध्यम से हमारे यहाँ पहुँचे और उन लोगों ने कहा कि भाई ये कार्यक्रम समाज के लोग करना चाहते हैं और आप आइए। और हम लोग भी प्रदेश में 55% टैक्स देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लूट, हत्या, चुनौती के शिकार हम ही लोग होते हैं, तो हम लोगों के विषय में क्यों नहीं विचार होता है? आप सरकार में हैं तो इस हम लोगों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं सरकार दे रही है? इस बात को लेकर के हम लोग भी अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई चलो हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा शोषण और अन्याय के खिलाफ, बगावत का नाम ही भारतीय समाज पार्टी है। आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं। जब इस देश में सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट बन सकता है, राजपूत रेजिमेंट बन सकता है, तो वैश्य रेजिमेंट बनाकर वैश्य समाज के बच्चों को भर्ती करा करके और मार्केट में उन्हीं को AK-47 थमा करके खड़ा कर दिया जाए उनकी सुरक्षा के लिए, तो हमारा मानना है कि फिर इनके ऊपर जुर्म, जाति अत्याचार, लूट हत्या, लूट और छिनैती की जो घटनाएं होती हैं ये कतई नहीं हो सकती। ये सुनार भाई, हमारा मानना है। ये सुनार भाईचारा सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? इस सम्मेलन का एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम लोग संगठित होकर के अपनी लड़ाई को खुद लड़ा जाए। अभी तक हम दूसरे नेताओं के सहारे हम लड़ाई को लड़ते थे। हम जिसको वोट देते हैं वो हमारे विषय में नहीं सोचता है, हम उसके विषय में सोचते हैं, तो हम अपने विषय में खुद सोचें तब वो दूसरा हमारे विषय में सोचेगा। मंत्री जी, बात आती है आरक्षण की। अभी सवर्णों पे 10% आरक्षण की बात मोदी ने कही थी, जिसका अभी सरदार सेना ने पुरजोर विरोध किया, 27% 57% आरक्षण की मांग को लेकर। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार 48 घंटे में जिस तरह गरीब सवर्णों को आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए उन्होंने बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही SC/ST पे कहा कि मुकदमा पंजीकृत हो जांच के बाद, उसको भी तत्काल कोर्ट केंद्र सरकार ने, कैबिनेट ने बदल दिया कि नहीं पहले मुकदमा पंजीकृत होगा उसके बाद तब जांच होगी। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकते हैं तो जो 27% आरक्षण पर रोक लगी है इसको बढ़ा करके 54% क्यों नहीं करते हैं? 48 घंटे के अंदर अगर गरीब सवर्ण को आरक्षण दे सकते हैं तो फिर पिछड़ों में भी गरीब हैं, तो इनको भी 48 घंटे में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हम, हमारी पार्टी, हम खुद सरकार में रह करके इस बात को हम खुद लड़ रहे हैं।